हेलो दोस्तों, अरविंद क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में बिहार दौरा बिहार पुलिस बीपीएससी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पीटी परीक्षा 26/8/2018 का है, जो 26 दिसंबर बिहार एसआई का पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन रह सकता है इस पेपर से, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बैंक से ही सवाल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर दो, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था का उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर फोर, ओमेगा 3 का वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसी अम्ल, जिसको बोलते हैं फैटिक एसिड। 5 नंबर देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्य गुहा से। 7 नंबर, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होते हैं। 9 नंबर, स्थिति विज्ञान स्टेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाए, आंकड़ों का अध्ययन से, डाटा का एनालिसिस से। ठीक, 10 नंबर, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल के कारण। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, यानी सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, उसमें भाग लिया था महात्मा गांधी, सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 12 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल ने की थी, सरदार पटेल। वही 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 नंबर, हम्पी में विजयनगर के भावनावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंड्रयूज फ्रेजर के द्वारा लाए गए थे। 14 नंबर, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग यानी सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्राम सभा। फिर 15 नंबर, भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग देता है। 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। 17 नंबर, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार सामान्य संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। 18 नंबर, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेंकैया नायडू, अभी भी यही है। कितने नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं, जबकि राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के, और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। तो 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 20 नंबर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? यूपी की थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? सही है ए, सुरक्षा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है? तो ये भी सही है, ये दोनों करने से अपना नागरिकता खो देगा, भारत का नागरिकता। ठीक, नंबर 3 देखते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो वह नागरिकता खो देगा? ये गलत है, नागरिकता नहीं खो सकता है, और सरकार की आलोचना करने पर नागरिकता खो देगा, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी सी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। उसके बाद 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमृत योजना। कब लागू हुआ था? 2015 में। 24 नंबर देखते हैं, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। 25 नंबर देखते हैं, 25 में क्या, तालचेर कोयली की खान कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में। उसके बाद 26 नगर कोचिकोट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट को नगर कोचिकोट कहा जाता है। उसके बाद 27 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? असम से, और एक तरफ बांग्लादेश से।
देखिए भूटान राज्य से चार देश आता है कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। 28 किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। वही पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। 29 निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी फसल यानी गर्मी का फसल, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। गेहूँ, सरसों, जो ये सब क्या है? रबी फसल है। 30 नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। 31 इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है। 32 शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, बी आंसर हो जाएगा। नंबर 33 सही कथन चुनिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, लाल प्रकाश का तरंग धैर्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग धैर्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है, यानी कथन क्या हो जाएगा? बी सही है। 34 में 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है किसके बराबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। देखिए इसको इस फार्मूला से निकाल लीजिए, क्या होता है? C/5 बराबर होता है F-32/9 होता है, तो इस फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा इसको, 104 आंसर आएगा। 35 विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का फार्मूला या क्या होता है? वर्क बट्टे टाइम होता है। उसके बाद 36 विद्युत मोटर में क्या होता है? इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? मोटर बदलता है, तो हो जाएगा इसका सी आंसर। 37 मानव शरीर में होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लगभग 70% पानी, लगभग 70% पानी होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 38 विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर, एमीटर से नापी जाती है। 39 निम्न खनिज में से किस खनिज की उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी अभ्रक में अग्रणी है, यानी ए आंसर हो जाएगा। 40 आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये सब क्वेश्चन का है ना, ये सब साइंस का क्वेश्चन जो है इतना, ये साइंस का क्वेश्चन है डायरेक्ट बिहार दरोगा में हिट करेगा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है ना डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से हुबहू छाप देता है। 41 कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, उसके बाद 42 एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। कौन विषाणु द्वारा होता है? HIV विषाणु द्वारा होता है। उसके बाद 43 आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद 44 हो जाएगा दाब की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी आंसर ए हो जाएगा। देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और बल का यूनिट एन होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद 45 हो जाएगा, 45 देखिए भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर है मेहरगढ़ अभी फिलहाल। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में हुआ था, और इसमें कौन राजा करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था राजगिरी में। उसके बाद दूसरी कहाँ पे? वैशाली में। तीसरी हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में, और चौथी हो जाएगा जम्मू कश्मीर के कुंडलपुरम में हुआ था। उसके बाद 47 एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1912 में। उसके बाद 48 इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ए का था कि सूर्योदय सूर्यास्त पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है? सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। 49 स्वर्ग भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था? ठीक, तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, किसको की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल पुत्र देव को की थी 5 गांव देने का प्रस्ताव। 50 बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे पुराना है बिहार में। 51 बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तबकात ए नासरी से। 52 हो जाएगा बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कछारी मिट्टी से।
53 क्या है? शेख बहाउद्दीन जकारिया की संप्रदाय से था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय से था। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। उसके बाद 54, इन शासकों में से कौन किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों 250 से 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह कौन है? इसका शेर शाह का पुत्र है इस्लाम शाह। 55, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर है सी हो जाए, विलियम फिंच ने कहा था। ठीक, इस तरह का विचार। 56, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन। उसके बाद 57, फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरियातुल्ला। फ्रेजी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। 58, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दाता भाई नौरोजी। ठीक, 59, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। देखिए, ये सब 2018 का BPSC क्वेश्चन में पूछा था, PT का क्वेश्चन में, डार हिट कर दिया, मेंस का क्वेश्चन में, SI का क्वेश्चन, बैंक से ही अधिकांश रहता है, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा फोकस कीजिए। 60, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्नियो। देखिए, बोर्नियो है ना एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, अगर वही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो 61 देखते हैं, 61 में क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंपाज, डी। 62, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। दूसरा स्थान पे कौन है? भारत है। अगर भारत का राजधानी, भारत का राज्य के बारे में बोलेगा तो सबसे प्रथम स्थान कौन है? कर्नाटक है। 63, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, सी। 64, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यमुनानगर हरियाणा में स्थित है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन। 65, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सम वर्षा रेखा। 66, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कल्पक्कम। देखिए, कल्पक्कम और कुंडलकुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नरोड़ा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। वही रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो कुंडलकुरम रूस की सहायता से बनाते हैं, वहीं कल्पक्कम है ना अपना स्वदेशी तरीके से बनाते हैं हम लोग। 67, स्वर्ण क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। 68, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पालघाट। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वही अगर भोरघाट थालघाट पूछे तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 69, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 70, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर, सी आंसर हो जाएगा। 71, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी आंसर। 72, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जोंग, जिसको बोलता है गौरसप्पा, जोंग या गौरसप्पा जलप्रपात। ठीक, यही सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। 73, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा वैकल्पिक सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। 74, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। इसके बाद 75, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलरीपयट्टू के नाम से जाना जाता है मार्शल आर्ट केरल का। 76, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान। और यहीं पे है क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में राजस्थान का। 77, भारत का राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आनंद मर्से। 78, सूर सागर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरदास की काव्य रचना को ही सूर सागर कहते हैं। 79, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणित, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, उसके बाद साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 80, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। देखिए, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, उसके बाद डूरन कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। 81, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना। ठीक,
और अफेक के गठन कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960 ईस्वी में। ठीक, 82, राष्ट्र बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को, वही 25 जनवरी को राष्ट्र निर्वाचन दिवस मनाया जाता है। 83, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। देखिए नागालैंड है ना, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल का फेस्टिवल कहते हैं, यानी त्यौहारों का त्यौहार कहते हैं, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 84, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। उसके बाद 85, 85 में क्या है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणित, ये आंसर हो जाएगा 85 का। 86, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइक से संबंधित है जस्ट डू इट। 87, मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आ जाएगा, बिहार, बिहार से प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग कला। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो, कब किया है, 2014 में किया है पोलियो मुक्त भारत ने। उसके बाद 85, 85 में क्या है, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक में आयोजित की गई थी, ये आपका किसका क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था, बहुत ऑल करंट है। ठीक, तो इसको स्किप कीजिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तब पर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि DRDO से संबंधित है। तो क्या है, DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है, तो इसका नाम है बी हो जाएगा, मुंत्रा, मानव रहित टैंक का नाम, यानी मानव बिना मानव का टैंक जिसमें मानव नहीं चलाएगा, तो उसका नाम है क्या, मुंत्रा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। 91, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के कितने किस महीने में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्च महीने में थी। उसके बाद 92, कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णता हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गए, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो सर्विस। 93, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कर्नाटक, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक, करंट का उस समय का था 2016-17 का। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ पे हो चुका है, टोक्यो में हो चुका है। अगर 2024 पूछे तो क्या हो जाएगा, आंसर पेरिस हो जाएगा। अगर वही 2028 पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा ओलंपिक, लॉस एंजल्स अमेरिका में, जो कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024-2028 पूरा हिट करेगा ये क्वेश्चन दोनों। 95, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1953 में हुआ था। ठीक, 96, इनमें तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 97, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति, वेग, किसकी इकाई है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की इकाई है कौन, एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10^-10 मीटर होता है। 98, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, यानी ए हो जाएगा आंसर। 99, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। अब उसके बाद 100 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वसा, वसा को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो पूरा 100 क्वेश्चन हो गया, आई होप ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा आने वाले सभी एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, अपने सगे संबंधों को। जय हिंद।